अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे कि आज मैं आपको दाल चावल की रेसिपी दूंगी, फुल कंप्लीट रेसिपी दूंगी दाल चावल की। और देखिएगा आप इस तरह से दाल बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मूंग मसूर की दाल तो सबके घरों में ही बनती है। आम सी दालें, दो दालें, एक ये मूंग की है और ये मसूर की, तकरीबन सबके घरों में बनती है। और सबके बनाने का अपना अपना तरीका होता है अलग। तो बस मैं भी अपने तरीके से आपको बताती हूँ दाल किस तरीके से तैयार होती है। तो ये एक प्याली मूंग की दाल ली है मैंने, तकरीबन दोनों दालों को हम मिक्स करके भिगो देंगे, ठीक है। ये हम पानी डालेंगे, कोई जब तक हम अपना मसाला भूनेंगे बस थोड़ी देर के लिए भिगोना है। और धो के अच्छी तरीके से हम अपनी दाल में मसाले में शामिल कर देंगे। ये हम एक तरफ रख देते हैं। अच्छा, इसमें जो मसाले मैंने ऐड करने हैं वो हैं, इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च ली है एक चम्मच, हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ली है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया है जो था उसको पिसा हुआ, मतलब भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है वो मैं लेती हूँ। या आप घर में ही पीस लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर मैं बीच में ऐड करूँगी दालचीनी के दो तीन टुकड़े और दो तेज़पात के पत्ते। अच्छा, ये टमाटर मैंने इसमें तीन टमाटर लिए हैं, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और एक छोटी प्याज ली है, बस प्याज ज़्यादा नहीं डालनी है, मैं एक छोटी प्याज ली है। एक मैंने हरी मिर्ची ली है, इसको मैंने बस इस तरह गोल गोल काट लिया। और डेढ़ चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। और ऑयल लेंगे हम अपने हसबी ज़रूरत ऑयल है, ये हम लेंगे, शुरू में भी डालेंगे फिर एंड भगारे में डालेंगे। और नमक जो है हम दाल गलने के बाद ऐड करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। हमने अपनी कढ़ाई रख दी थी चूल्हा ऑन करके, तकरीबन गर्म ही गर्म हो गई है, हमने ऑयल डाल दिया है। और इसी के साथ हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्का सा छोटे करेंगे, इसको हल्का सा हमें छोटे करना है। फिर साथ ही हमने अपने टमाटर ऐड कर देंगे। इससे पहले हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन ऐड कर दिया, फिर हम इसके अंदर अपने टमाटर ऐड करेंगे, टमाटर हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड कर दें सब चीज़ें एक साथ। बस तो अच्छे से हम बस हम भूनेंगे अपने मसालों के साथ, भूनना है। ये तीनों मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया नमक जो है दाल गलने के बाद ऐड करेंगे, मैं तो दाल गलने के बाद ऐड करती हूँ नमक। और आप कब करते हैं क्योंकि दाल में इस समय गलती नहीं है, दाल नमक पहले डालने से दाल गलती नहीं सही से। जब दाल आपकी बिल्कुल गल जाए फिर आप नमक ऐड कर दें, फिर उसको थोड़ा सा दाल को घोट के और अपनी दाल तैयार करें। बस इसी के साथ हम ये जो तेजपात के पत्ते और दालचीनी हमने खोली थी ये बस ये हम ऐड कर देंगे इसमें। और अपनी दाल को धोकर अच्छी तरीके से इसमें लगा देंगे। मैं दाल धोती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दाल ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, सारी दाल ऐड कर देंगे। हम पानी डाल देंगे दाल गलने के लिए, तो इसमें और पानी ऐड करते हैं क्योंकि हमें दाल पहले गलानी है। जब दाल गल जाएगी फिर हम चावल के हिसाब से दाल को रखेंगे, कितना पतला रखना है कितना गाढ़ा रखना है। इसमें पानी ऐड करते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा ही जाएगा क्योंकि हम ये दाल चावल बना रहे हैं, तो इसके साथ जो पानी होगा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है हमारे को जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती। अच्छा, तो दाल जब रेडी हो जाएगी उसके बाद हम चावल की रेसिपी दिखाऊंगी। चावल बनाने सादे बॉयल्ड राइस बनाने जो भी होते हैं, और टमाटर की चटनी बनाऊंगी
और थोड़े से हम इसके साथ पापड़ पापड़ तलेंगे, तो दाल चावल के साथ जो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, बस हम इसको अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब हमें दाल गल जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक हम अपनी चावल की तैयारी करते हैं और टमाटर की चटनी की। चेक करते हैं कि दाल वहाँ तक पहुँची है, गल गई है, निगली अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी है, टमाटर भी है, दाल तो हमारी गल गई है, लेकिन थोड़ा पानी और खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको अच्छे से, हमें दाल को घोट के मैश करके रखनी है। चलें तो इसी के साथ मैं टमाटर की चटनी भी बतानी थी आपको, टमाटर की चटनी बनाएंगे हम। इसके बाद फिर मैं आपको चावल की रेसिपी दूंगी। साथ में ये मैंने टमाटर लिए हैं, इसमें तकरीबन 1 किलो टमाटर हैं, 3-4 हरी मिर्ची ली है मैंने, इसमें ऑयल लिया है मैंने 1/2 प्याली, नमक है, हल्दी और कुटी हुई मिर्ची, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची है, 1/2 चम्मच हल्दी है और नमक हल्दे जायका। और अच्छा इसमें हम लोग 1/2 टेबल स्पून मैंने, मतलब 1/2 चम्मच मैंने कलौंजी ली है और थोड़ी सी मैंने राई ली है, 2-3 चुटकी थी ना राई ली है, बाकी 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और 2 प्याज हमने कट कर लिए हैं। तो फिर बस हम जल्दी से इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं, ले ली सारा सामान एक साथ चढ़ा के टमाटर को गलने तक। और इसके बाद जैसे तेल गर्म होगा तो हम सबसे पहले जीरा, कलौंजी और राई को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसके अंदर, जो भी उसमें कड़कने की आवाज़ आएगी हमारा जीरा कड़केगा। इसके बाद में हम उसे प्याज ऐड करेंगे और अपने मसाले और टमाटर। देखें आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो हमने मसाले ऐड कर देंगे इसमें, आपको भी बताइएगा कि आपके घर में टमाटर चटनी ऐसी ही बनती है। कोशिश यही है मैं आप लोगों को बस जो भी घर में बनता है रोजमर्रा की जो रेसिपीज होती हैं, सिंपल रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी मेरे घर में डेली कुकिंग हो रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर घर का मसला है कि आज क्या पकाएं, ये सवाल जो है ना सबके साथ ही है। तकरीबन तमाम लेडीज खवातीन जो भी घर की होती हैं कि आज हमें क्या पकाना है, बस मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अभी आपको जो भी डिशेज हैं अच्छी सी मतलब बनाऊं घर में, सिंपल सी देसी जो कुकिंग होती है हम लेडीज की, तो चाहती हूँ कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोगों को मसला नहीं हो, आराम से अपनी कुकिंग कर लें। टमाटर आटा दी इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के इसको पानी, टमाटर का पानी निकलेगा उसको, फिर टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसकी एंड में भुनाई करेंगे और हरा धनिया डाल के, और इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी क्या क्या हमें करना है। ये दाल, इसके बाद हम आपको दाल की तरफ ले चलेंगे, हमारी दाल भी तकरीबन गल गई है और इसको हमें थोड़ा मैश करना है। इसको ढक दिया है, जब तक पानी खुश्क होगा इसका, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए हमारी दाल रेडी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से जैसे गल गई है, मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था चम्मच की मदद से, क्योंकि हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। बस अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और फिर ये आप सबसे पहले इसमें पहले पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि दाल इतनी गाढ़ी है हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमें दाल चावल बनाने हैं तो चावल के साथ दाल थोड़ी पतली अच्छी लगती है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अपनी दाल में, पानी ऐड करेंगे दाल में इस तरीके से, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो। दाल चावल के साथ जिस तरह रखी जाती है बस आप लोगों को पता है घर में किस तरह दाल चावल के साथ दाल बनाते हैं, देखिए ये सही है बिल्कुल। हमारी टमाटर की चटनी भी बस
यार पे बस का पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्की सी भुनाई होगी, बस ऑयल ऊपर आएगा और एंड में हम हरा धनिया डालेंगे और हमारी चटनी भी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ दाल में, अब हम इसमें नमक डालेंगे। सबसे ज़्यादा नमक डालना है इसमें, आप चख लीजिएगा नमक डाल के। नमक हमेशा शुरू में कम ही डालें क्योंकि कम नमक होगा तो बाद में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो फिर बहुत मसला हो जाता है फिर नमक कम करने का। नमक थोड़ा कम है इसके अंदर मैंने चखा, इसमें नमक थोड़ा हम और ऐड करेंगे। हम बघार की तैयारी करते हैं अपनी, हम बघार की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने बघार की भी तैयारी कर ली है, लेकिन इससे पहले हम पापड़ तलेंगे। ये मिक्स पापड़ हैं सारे, मैंने ले लिए थोड़े। तो दाल चावल के साथ आप कोई से भी पापड़, किसी भी शेप के पापड़ ले लें या किसी भी कलर के ले लें, बस ये हम फ्राई करके एक तरफ कर देंगे और ये हरा धनिया डालेंगे टमाटर की चटनी में दाल में। तो ये ऑयल हमने गर्म करने रख दिया था पापड़ के लिए, और भगार भी लगाएंगे हम। ये पापड़ हैं और ये हरा धनिया है जिसमें टमाटर की चटनी में, हरा धनिया है टमाटर की चटनी में और दाल में डालेंगे। बाकी भगार के लिए जो मैंने लिए हैं इसमें गोल मिर्ची डलेगी और हमने लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिया है, प्याज हाफ प्याज भगार में और हाफ प्याज में चावल बॉयल करूंगी और ऐड करूंगी। तो सब पहले हरा धनिया डाल देते हैं दाल में, अपने दाल में हरा धनिया ऐड कर देते हैं क्योंकि दाल में हरा धनिया सबसे अच्छा लगता है, दाल का जायका और बढ़ जाता है। बस अब हम पापड़ तल लेते हैं। चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गरम हो गया। तो जी हमारा ऑयल गरम हो गया तकरीबन, तो अब हम सारे एक साथ तलेंगे आधे आधे करके। हमारे पापड़ फ्राई हो रहे हैं, जैसे घर में पापड़ थोड़े रखने चाहिए बच्चों को, आप फ्राई करके दे सकते हैं, लंच में भी दे सकते हैं या शाम में चाय के साथ भी आप फ्राई कर सकते हैं, और रमज़ानों में तो लगते ही बहुत अच्छे हैं। पापड़ नहीं हो रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे तो मज़ा ही नहीं आता, इफ्तारी में बच्चों की पसंदीदा डिश होती है। सारे फ्राई कर लिए एक साथ, इसको हम रखते साइड पे और अब हम अपने भगार की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगार में प्याज ऐड कर दूंगी, हाफ प्याज हम भगार में डालेंगे और हाफ प्याज हम चावल में भगार देंगे जब करेंगे, और गोल मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ। तो प्याज में कलर आएगा उसके बाद हम लहसुन अपना ऐड कर देंगे, वरना लहसुन अभी डालेंगे तो लहसुन हमारा जल जाएगा। जल्दी से हमारा ऑयल तो बहुत गर्म ही हो रहा है, इसमें हमने पापड़ तले थे तो ऑयल में मैंने ऑयल कम करके मैं इसमें भगार लगा रही हूँ। फिर मैंने हाफ प्याली ऑयल लिया है दाल के भगार के लिए, इतनी दाल में ऑयल क्योंकि परफेक्ट है, मैंने परफेक्ट इतना ऑयल डाल लिया है हाफ प्याली। लेकिन प्याज के कलर आना शुरू हो गया, उसी के साथ हम अपना लहसुन भी ऐड कर देते हैं जल्दी से। हमारे पापड़ रेडी हो गए हैं और टमाटर की चटनी बस रेडी हो रही है, दाल बस भगार लगेगा तो दाल भी रेडी है। फिर तो चावल रह गए, वो भी हम जल्दी से आपको दिखाते हैं, कंप्लीट दाल चावल की रेसिपी रेडी रहेगी। उसके साथ हम क्या क्या सर्व करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। भगार रेडी हो गया बिल्कुल, हम दाल में भगार लगाएंगे। दाल लग रही है हमारी, शक्ल भी कितनी अच्छी आएगी दाल की, खूबसूरत सी। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, बस हम चावल रेडी करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ चावल के भी। चावल
चावल बनाते हैं अपने दाल के साथ। लास्ट हमारी रेसिपी है दाल चावल की। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, एक आधी प्याज है ये बची हुई डालेंगे, और ये मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, बासमती राइस है ये, तो मैंने सिर्फ 10 मिनट भिगोया है, अच्छी तरह धो के इसको मैंने भिगो दिया था। और ये पानी लिया हमने तो जरूरत जो हमें चाहिए चावल के साथ, तो बस ये पानी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन ये 2 डोंगियां हम इसमें डाल देंगे, इसके साथ हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे इसमें। हमारी प्याज हल्की सी फ्राई होगी, हम इसके अंदर अपना पानी ऐड करेंगे, फिर चावल ऐड कर देंगे। सिंपल से राइस बर्गर लेंगे, बघार के साथ बना रहे हैं। पानी डाल के नमक डाल के चेक करेंगे, फिर जैसे जो उबाल आएगा उसके बाद इसको बंद कर देंगे। फाइनली फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि दाल चावल के साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है, जो भी मतलब चटनी है, मिर्ची है, अचार है, थोड़ा सा सैलड हो, सब्जी, मूली, गाजर, जो भी आपको रखना चाहें तो रख सकते हैं, दाल वगैरह सब मैं आपको दिखाऊँगी एंड में। बस हम इसके अंदर हम इसको ब्राउन में करना, इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं, थोड़ा पानी से अभी डालेंगे और बाकी पानी हम चावल के बाद डालेंगे। तो ये तीनों सारे चावल हम ये ऐड कर देंगे सारे चावलों को। चावल भी हो गए अच्छी तरह, लेकिन थोड़ा सा पानी उबलेगा, उसमें पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा पानी उबलेगा, बस वाइट चावल में पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब हम सेला चावल बनाते हैं उसमें पानी में बराबर लेना पड़ता है। तो बस हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 3-3.5 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड करा है, ताकि आप चख के फिर चख जरूर लीजिएगा नमक को, हमारा नमक कम ना हो। अच्छी तरह इसको हिला के अपने नमक को टेस्ट कर लें, अगर नमक कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा, अगर सही हो तो फिर इसको आप ढक दें, उबाल आने के बाद फिर ढक्कन को हटा के फिर चेक करें, फिर दम पे लगा अपना नमक चेक करूँगी, हमारा नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तकरीबन मैंने 3.5 चम्मच में नमक लिया है, छोटा वाला टीस्पून लिया है खाने वाला चम्मच। इसको चूल्हा हम तेज़ करते हैं और इसको हम ढक देते हैं उबाल आने तक, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब उबाल आ जाए। A few moments later. तो हम देखते हैं अपने चावल, देखें पानी बिल्कुल खुश हो गया चावल में, बस अब इसको हम दम पे लगाने के बाद आपको फाइनल डिश आउट करके दिखाएंगे सब चीज़ें एक साथ, ठीक है। तो बस मिलते हैं 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपसे, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट्स लेटर। चलो हम देखते हैं, 5 मिनट हो गए, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, देखें कैसे खिले खिले बने, बिल्कुल एक एक चावल लंबा लंबा। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बस मैंने जो थाल रेडी करी है देखें, इसमें मैंने ये टमाटर की चटनी हमारी बनाई थी, दाल मैंने इसमें रख दी है, ये जो मिर्ची है मसाले वाली जो मैंने आपको रेसिपी दी थी, और इसी के साथ ये अचार है बहुत मज़े का, इसकी रेसिपी ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपको गर्मी में दूंगी, ये भी हम इसमें सर्व करेंगे। ये लाजमा आते हैं हमारे दाल चावल के, जो जब इसके साथ होते हैं तो फिर दाल चावल का मज़ा और बढ़ जाता है, तो हम चावल साइड में रख के आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। देखिए हमारी पूरी डिश आउट हो गई है, तो जिसमें हमने आपको दाल की रेसिपी दी चटनी की, टमाटर की चटनी की,
चावल की और पापड़ की। मिर्चों की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो ये है हमारी आज की दाल चावल चटनी पापड़ रेसिपी। ये देखें हमारी दाल चावल रेसिपी थाली बिल्कुल रेडी हो गई है, तो आप लोग भी ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे बने, मेरे तरीके से बना के भी कमेंट्स में बताइएगा। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को फुल वॉच कीजिएगा, जो मेरी वीडियोस होती हैं उसको फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।